नाउ इन दिस टॉपिक विल टॉक अबाउट एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्स टाइप की चीज़, तुम देख लो, लाइक 2 रेज टू द पावर हमने 3 लिखा, 2 के माथे पे हमने 3 दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 2 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली अगर हमने 5 रेज टू द पावर 7 लिखा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 7 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को खुद के साथ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो किसी भी नंबर के सर पे जो नंबर रहेगा, किसी भी नंबर के माथे पे जो नंबर रहेगा, हमको उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है एक्सपोनेंट का मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 रेज टू द पावर 3 लिखा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और माथा पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। कभी कभी इसको पावर बोलते हैं, ठीक है? कभी कभी इसको पढ़ते हैं हम लोग 2 पर पावर कितना है? 3 है। ओके ओके, नाउ अब थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझते हैं आपको लोग, ठीक है, कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। तो थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लो ए कोई रियल नंबर है एंड एंड बी एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, या फिर बोलो एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एंड एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए कोई रियल नंबर है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम लोग ए रेज टू द पावर अगर एन करें, मतलब ए के माथे पे अगर हम लोग एन लिख दिए, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर ए का माथा पे हम लोग एन लिख दिए, उसका मतलब ये हुआ कि ए को खुद से मल्टीप्लाई करो कितना बार, कितना बार? एन बार, ठीक है? ए का कितना फैक्टर्स बनाना है? एन फैक्टर्स बनाना है। ए को खुद से ही मल्टीप्लाई करो कितना बार? एन बार। मतलब अगर ए का माथा पे 4 लिखा हुआ रहे तो ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई करो कितना बार? 4 बार। ये हुआ तुम्हारा ए रेज टू द पावर एन का मतलब। ओके ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ए रेज टू द पावर एन है, इसको पढ़ा किस तरह से जाता है? ए रेज टू द पावर एन को हम लोग पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से कि ए रेज टू द पावर एन को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि ए रेज टू द पावर एन, इस चीज को हम लोग कभी क्या पढ़ते हैं? ए रेज टू द पावर एन, कभी कभी क्या पढ़ते हैं हम? ए टू द पावर एन, पावर एन, या फिर nth पावर ऑफ ए, ऑफ ए। ए रेज टू द पावर एन में 2 पार्ट है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेस बोलते हैं। और ये जो माथा पे जो लगा हुआ है एन, ये तुम्हारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। कभी कभी, कभी कभी इसको पावर भी बोलते हैं। ओके, पढ़ने का तरीका क्या है? ए रेज टू द पावर एन बोलो, ए टू द पावर एन बोलो, ठीक है, या फिर nth पावर ऑफ ए बोलो, तीनों ही बात सही है।
nth पावर ऑफ ए मीन्स ए का nth पावर, ठीक है। ओके नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। ओके ओके बिफोर गोइंग फॉर द लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लाइक 2 रेस्ट टू द पावर 3 लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर से एक बार देख लिया, 2 रेस्ट टू द पावर 3 लिखा हुआ, दैट मीन्स 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 2 को 2 रेस्ट टू द पावर 3, दैट मीन्स 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम्स, 3 बार, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 2 रेस्ट टू द पावर 3 क्या है, 8 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने किया 3 बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3, इसका मतलब 3 बाई 2 को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करो, 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2। और हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, विच विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इट विल बिकम 27 बाई 8। ओके अगेन 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 रेस्ट टू द पावर 4, माइनस 3 बाई 4 एक रियल नंबर है, उस पर पावर कितना लगा हुआ, 4 का पावर लगा हुआ, दैट मीन्स -3/4 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही, इट विल बिकम -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 बार माइनस को खुद से मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस ही आएगा। ओके 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, इट विल बिकम -27 बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा, ओके सॉरी हियर इज रेस्ट टू द पावर 4, ना दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई वंस अगेन, -3/4, सो इट विल बिकम व्हाट, 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, इट विल बिकम प्लस 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, अगेन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 4 जा 256। देयरफॉर -3 रेस्ट टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 81/256। ओके नाउ पॉइंट नंबर 2, हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी कोई नंबर ए है और उसके पावर पे अगर 0 है तो वो बेसिकली 1 के बराबर होता है, किसी का भी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, दैट मींस क्या है इसका मतलब, 2 पर पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 256 पर पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 5/7 पर पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, एंड लेट्स से एक रेशनल नंबर पाई, पाई पर पावर 0 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसको क्या, वो बेसिकली क्या है, 1 है। ओके नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर क्या होता है, नेगेटिव पावर क्या होता है, लाइक ए रेज टू द पावर माइनस एन टाइप, हम लोगों ने पहले एन को नेगेटिव माना था, एन को पॉजिटिव माना था, ठीक है। तो अगर पावर में नेगेटिव साइन है तो हम लोग क्या करो, नेगेटिव को हटा दो और बात को कर दो रेसिप्रोकल, मीन्स नेगेटिव को हटाने के बाद क्या बचेगा, एन रेस टू पावर एन, तो 1/n लिख दो, ठीक है, ए रेस टू द पावर माइनस एन विल बी इक्वल टू 1/n। क्या है इसका मतलब, 2 रेस टू द पावर -3 इज नथिंग बट 1/2 रेस टू द पावर 3, ठीक है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 2 रेस टू द पावर 3 का। सिमिलरली 3/2 रेस टू द पावर -7 इज नथिंग बट 1/3/2 रेस टू द पावर 7, ठीक है। ओके अच्छा
टू रेस्ट टू पावर माइनस थ्री इज नथिंग बट वन बाय टू रेस्ट टू पावर थ्री विच विल इन टर्न बिकम टू रेस्ट टू पावर थ्री इज नथिंग बट टू इंटू टू इंटू टू विच विल बिकम वन अपॉन एट। ओके ना आई हैव एक्सप्लेन एनफ। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाई रेस्ट टू द पावर माइनस टू इज नथिंग बट वन बाय पाई का स्क्वायर। ओके अच्छा, लेट मी डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। लाइक कोई भी नंबर ए है उसका पावर जीरो है उसको हम लोग वन लिखते हैं। ए का पावर वन इज नथिंग बट ए, पावर का किसी का भी पावर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके माथे पे, दैट मीन्स वहां पे क्या है, वन है। ओके आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। वन मोर थिंग, लाइक ए रेस्ट टू द पावर टू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर। एंड सिमिलरली ए रेस्ट टू द पावर थ्री को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए क्यूब। ओके दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। नाउ लेट्स लेट्स अस डिस्कस फ्यू लॉज ऑफ इंटीरियल एक्सपोनेंट। लाइक अभी तक हम लोगों ने क्या माना कि ए रेस टू द पावर एन में क्या है, जो ए है वो एक रियल नंबर है और एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके बेसिस पे कुछ लॉज डिफाइंड किए गए हैं, कुछ लॉ डिफाइंड हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई नंबर है लाइक ए रेस टू द पावर एम, ये मल्टीप्लाइड है ए रेस टू द पावर एन से, जहाँ पे एम और एन दोनों क्या है, इंटीजर है। जहाँ पे एम और एन दोनों क्या है, इंटीजर है, दोनों का बेस सेम है। अच्छा बाय द वे, तुम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस से तुम लोगों को पता होगा, ए रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एन दोनों में क्या है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो बेस सेम है तो इस ये जो पहला लॉ है ये बोलता है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो, और मल्टीप्लाई का साइन है तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों का एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। दैट मीन्स ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। क्या इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, लाइक टू रेस टू द पावर थ्री इज मल्टीप्लाइड बाई टू रेस टू द पावर फाइव। यहाँ पे टू रेस टू पावर थ्री के बेस में टू है, टू रेस टू पावर फाइव के बेस में टू है, दोनों का बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो, दोनों का एक्सपोनेंट अलग, दोनों का एक्सपोनेंट में कुछ भी हो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम होने पे एक्सपोनेंट जुड़ जाता है। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट टू रेस टू द पावर थ्री प्लस फाइव विच इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर, टू रेस टू द पावर एट। ठीक है, थ्री बाई टू रेस टू द पावर टू इंटू थ्री बाई टू रेस टू द पावर माइनस थ्री, कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, बेस सेम है, थ्री बाई टू यहाँ पे भी बेस में थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू एक बार लिखा जाएगा। अब पावर को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, मतलब टू प्लस माइनस थ्री, टू प्लस माइनस थ्री इज टू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब थ्री बाई टू रेस टू द पावर माइनस वन। थ्री बाई टू रेस टू द पावर माइनस वन इज नथिंग बट थ्री रूट एंड वन बाय थ्री बाई रेस टू द पावर वन, और वन को तो हम लोग लिखते नहीं है, एंड इट विल बिकम वन अपॉन थ्री बाय टू। अब क्या हो जाएगा ये, अब डिनोमिनेटर के अंदर एक डिनोमिनेटर के अंदर एक फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर चल जाएगा न्यूमरेटर में, इट विल बिकम टू बाय थ्री। ओके ये हम लोगों ने पहला लॉ ये नोट कर लिया। सेकेंड लॉ इज, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज लाइक ए रेस टू द पावर एम, उसको डिवाइड किया गया किससे, ए रेस टू द पावर एन से, इसको डिवाइड किससे किया गया, ए रेस टू द पावर एन से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ए रेस टू द, यहाँ पे क्या है, एक दोनों का पावर अलग अलग है, बेस सेम है, और एक ए रेस टू द पावर एम से ए रेस टू द पावर एन को डिवाइड किया गया। ओके सॉरी, ए रेस टू द पावर एन से ए रेस टू
ए रेस टू द पावर एम के डिनोमिनेटर में ए रेस टू द पावर एन है, तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देंगे। तो इस केस में अगर ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू द पावर एन टाइप चीज रहा, दोनों में बेस सेम है, तो उस केस में जो हम लोग का पावर होगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इस केस में क्या करेंगे, एम माइनस एन करेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एम माइनस एन करेंगे। तो इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। इसको हम लोग एक्चुअली प्रूव भी कर सकते हैं, लाइक ए रेस टू द पावर एम बाय ए रेस टू द पावर एन इज नथिंग बट ए रेस टू द पावर एम इंटू वन बाय ए रेस टू द पावर एन। अब ए रेस टू द पावर एन, अगर तुम लोगों को पिछले स्लाइड से याद होगा कि ए रेस टू द पावर माइनस एन इज नथिंग बट वन बाय ए रेस टू द पावर एन, तो ए रेस वन बाय ए रेस टू द पावर एन की जगह पे वन ए रेस टू द पावर माइनस एन तो लिख ही सकते हैं ना। सिमिलरली वी कैन राइट ए रेस टू द पावर एम और ए वन बाय ए रेस टू द पावर एन की जगह पे ए रेस टू द पावर माइनस एन। अब मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर को जोड़ दो, तो ए रेस टू द पावर एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम ए रेस टू द पावर एम माइनस एन। इस तरह से भी बात को हम लोग समझ सकते हैं। ओके, क्या है इसका मतलब, लाइक हम लोग देख लेते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, फ्यू एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ बात समझ लो, लाइक पहला चीज ये हो सकता है कि अगर m ग्रेटर देन n रहा, m और n दोनों हम लोगों ने पॉजिटिव माना, तो अगर m n से बड़ा रहा, अगर m n से बड़ा रहा तो इस केस में a रेस टू द पावर m और a रेस टू द पावर n विल बिकम a रेस टू द पावर m माइनस n। तो इस केस में m माइनस n जो है वो भी जीरो से बड़ा रहेगा, वो भी एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में एम माइनस एन जो है वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर एम जो है वो एन के बराबर रहेगा, अगर एम अगर एन के बराबर रहेगा इसका मतलब एम माइनस एन विल बी इक्वल टू जीरो। उस केस में ए रेस टू द पावर एम बाय ए रेस टू द पावर एन विल बी इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, और एम माइनस एन तो क्या है, जीरो है। उस केस में क्या होगा, ए रेस टू द पावर जीरो विच विल बी इक्वल टू वन। ओके ओके, इसको तुम ऐसे भी समझो कि लाइक टू रेस टू द पावर थ्री बाय टू रेस टू द पावर थ्री, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, नीचे भी टू इंटू टू इंटू टू क्योंकि टू रेस टू पावर से नीचे भी है, ये सब तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा, कट पिट के वन बचेगा ओनली। इसीलिए ए रेस टू पावर, इसीलिए अगर ऊपर नीचे बेस सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है तो दोनों बेसिकली सेम नंबर लिखा हुआ, दोनों को ऐसे काट सकते हैं। ओके, नाउ लॉ नंबर थ्री विच सेज कि अगर ए रेस टू द पावर एम लिखा हुआ और इस नंबर पे भी पावर क्या है, एन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों पावर को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तुम लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे एन है ऊपर एम है, उस केस में भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मतलब ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से और बेटर समझ पाएंगे। लाइक टू रेस टू द पावर थ्री रेस टू द पावर टू, टू रेस टू पावर थ्री है उसका भी पावर टू है। अच्छा, इस ब्रैकेट पर पावर टू है, दैट मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, दैट मीन्स क्या करेंगे, हम लोग टू रेस टू पावर थ्री के पावर टू है और टू रेस टू पावर थ्री को ही दो बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके। ओके, अब टू रेस टू पावर थ्री का मतलब क्या हुआ, टू रेस टू पावर थ्री का मतलब ये हुआ, अब तुम्हारे पास ऐसा है कुछ, टू रेस टू पावर थ्री का मतलब है टू को तीन बार मल्टीप्लाई करो खुद से, टू फिर से टू इंटू टू इंटू टू, अब ये क्या लिखा हुआ है, टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, ये छह बार लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट टू रेस टू द पावर सिक्स।
और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो बात को कि यहाँ पे 2^3, 2^3 दोनों का बेस सेम है, पावर इनकेस पावर भी सेम है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये बेसिकली यही हुआ ना कि 2^3 × 2 हुआ, विच इज इक्वल टू 2^6। ठीक है, तो हम लोग क्लियर है। और एक बात समझने वाली बात यह है कि 2^3 × 2 लिखो या फिर 2^2 × 3 लिखो, दोनों सेम चीज है, तुम करके देख लो। क्योंकि इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, 2^3 × 2 6 करेंगे, और इस केस में भी 2 × 3 6 करेंगे, दोनों सेम ही चीज आएगा ना। ओके तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पावर है तो अगर पावर पर ऊपर पावर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों पावर्स को। ठीक है, नाउ लेट्स टेक फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोलता है, लाइक दो नंबर है ए इंटू बी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका पावर है तुम्हारा एन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर दोनों में बढ़ जाएगा, इस केस में हम लोग a^n कर देंगे और b^n कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें और एक चीज आता है कि a बाय बी पर पावर अगर n लिखा हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, a पर पावर n कर देंगे डिवाइड बाय b पर पावर n कर देंगे। ओके, दोनों में अलग अलग से पावर लगा सकते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो चलिए, 3/2 पर पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से 2^49 raised to the power 2 ये लिखा हुआ, यहाँ पे 2 × 49 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, इस पावर को एक बार इसके साथ लगा दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा, 49 को साथ एक बार ये लगा दो, ये चल सकता है। ओके क्लियर है। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हुआ है 3/2 raised to the power 7, इट इज नथिंग बट 3 के साथ 1 बार पावर 7 लगा दो, डिवाइड बाय 2 के साथ 1 बार पावर 7 लगा दो, मतलब इट इज ऑल्सो रिटन बाय रिटन एज 3^7 एंड 2^7। ओके, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a × b raised to the power n है तो हम लोग पावर को दोनों के साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। क्या है इसका मतलब, अगर a^n है × b^n है तो इस केस में क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है। अगर एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या करो, बेस को करो मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट को दोनों पे लगा दो एक साथ। सिमिलरली क्या है यहाँ पे, a^n / b^n, यहाँ पर भी क्या है, दो नंबर है जो डिवाइड के फॉर्म में है, दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों को करो डिवाइड और पूरे में लगा दो n। ओके, a बाई बी रखो और पूरे पे लगा दो n। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम बाई यूजिंग दोज कंसेप्ट। ओके, एग्जाम्पल 20, इफ 9^n 3^2 3^n − 27^n इज डिवाइड बाई लाइक दिस इज गिवन, वी हैव टू प्रूव दैट m − n इज 1। सिंप्लीफाई करते हैं लोग, कुछ मत करो, ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं इस पर। ओके, करो, यहाँ पे लिखते हैं इसको हम लोग, 9^n × 3 का स्क्वायर n² × 3^n − 27^n डिवाइड बाय 3^3 m × 2^3।
इज इक्वल टू 1/27। इसको करो, ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट बाई योर सेल्फ, फिर आते हैं या फिर मेरा देख ही लो यार। ओके, 9 कैन बी रिटन एज 3 रेस्ट टू द पावर 3, सॉरी 3 रेस्ट टू द पावर 2। तो हम लोग 9 रेस्ट टू द पावर n की जगह पे क्या लिख देते हैं, हम लोग 9 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 2, और इसके ऊपर पावर n लगा हुआ है। यस ओके, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 27 को लिख देते हैं हम लोग। 27 भी इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, तो 3 रेस्ट टू द पावर 3 इज 27, और उस पर पावर लगा हुआ है n, डिवाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 m मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू 1/27। नाउ ओके, अब इस रूल को पता है तुमको कि अगर पावर पे भी ऊपर पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, n इन हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर n इज नथिंग बट वी कैन राइट इट लाइक 2 इंटू n, 3 रेस्ट टू द पावर 2 n, एंड सिमिलरली 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n पावर n माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू n हो जाएगा यहाँ पे। ओके, विच विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 3 m, 3 रेस्ट टू द पावर 3 m इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू 1/27। 1/27 को लिख ही दो यार, 3 रेस्ट टू द पावर 3 लिख दो, दिमाग लगाने का नहीं इसमें। ओके, नाउ डू इट लाइक दिस। यहाँ पे देखो क्या है, 3 रेस्ट टू पावर 2 n इंटू 3 रेस्ट टू पावर n, यहाँ पे इसमें और इसमें बेस सेम है, तो पावर को कर दो ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू पावर 2 n इंटू 3 रेस्ट टू पावर n विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 2 n प्लस n, विच इज 3 रेस्ट टू पावर 2 n प्लस n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 रेस्ट टू पावर 3 n, 3 रेस्ट टू पावर 3 n डिवाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 3 m इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3, विच इज इक्वल टू 1/3 रेस्ट टू पावर 3। ओके, नाउ 3 रेस्ट टू पावर 2 n प्लस n इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 3 n, 3 रेस्ट टू द पावर 3 n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3 n डिवाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 3 m इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 1/3 रेस्ट टू द पावर 3। ओ सॉरी सॉरी, ओके नाउ डू इट लाइक दिस। अब यहाँ पे तुम देखो 3 रेस्ट टू पावर n यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करो, दोनों तरफ से 3 रेस्ट टू पावर 3 n कॉमन निकाल दो। 3 रेस्ट टू द पावर 3 n अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बचेगा, ठीक है ओके, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे अगर इसको गायब कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, बेसिकली कॉमन निकाल लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3 रेस्ट टू पावर 3 m इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3, एंड 3 रेस्ट 1/3 रेस्ट पावर 3 को लिख दो 3 रेस्ट पावर -3, ये तो लिख ही सकते हैं हम लोग बाय प्रॉपर्टीज। अब 3 रेस्ट पावर 3 n, 3 रेस्ट पावर 3 n, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 रेस्ट पावर 3 m इंटू 3 का क्यूब इज नथिंग बट 8, ये 8 और ये 8 कटेगा। ओके, 3 रेस्ट टू पावर 3 n डिवाइड बाय 3 रेस्ट टू पावर 3 m, दोनों का डिनोमिनेटर, अच्छा दोनों बाई के फॉर्म में लिखा हुआ है और बेस सेम है, तो इसके इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे पावर्स को, तो इट विल बिकम 3 रेस्ट टू पावर 3 n माइनस 3 m विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर -3। अब तुम एक बात बताओ,
ओह सॉरी, वेयर वॉज आई? ओके ना, अब तुम एक बात बताओ, इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 3m, और यहाँ पे लिखा हुआ 3 रेज़ टू पावर -3, और ये दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं बोलूँ कि 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब 2 के पावर में कुछ है वो बराबर है 2 रेज़ टू पावर 3 के, इसका मतलब 2 के पावर पे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 है, तभी ना LHS और RHS इक्वल होगा, क्योंकि ये है 8 है। 2 रेज़ टू द पावर x इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज 8। 2 का पावर x है और जिसका वैल्यू क्या है, 8 है। तो x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसका पावर में 2 लगा, जिसका जिसको हम लोग 2 का पावर में लगाएंगे और वैल्यू आएगा 8, तो x का वैल्यू 3 होगा यहाँ से। सिमिलरली अगर दोनों इक्वल टू के इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड और RHS में दोनों अगर बेस सेम है, ठीक है, और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स 3n माइनस 3m विल बी इक्वल टू -3। और यहाँ से अगर तुम निकालोगे 3n माइनस m विल बी इक्वल टू -3 विच विल बी इक्वल टू n माइनस m विल बी इक्वल टू -3 अपॉन -3 अपॉन 3। 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। देयरफॉर दिस विल बिकम, अच्छा दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -1 -1 विल बी इक्वल टू 1, एंड -1 इंटू m, दिस विल इंटरचेंज द साइन, देयरफॉर इट विल बिकम m माइनस n विल बी इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इट सेज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ABC। अच्छा तो LHS में क्या लिखा हुआ है, a+b+c इज इक्वल टू a^-1 b^-1 +b^-1 c^-1 +c^-1 a^-1, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू a×b×c। बहुत सिमिलर है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। क्या करो तुम, a^-1 है, a+b+c। अच्छा a^-1 इज नथिंग बट, a^-1 इज नथिंग बट 1/a^1, और 1 1 को तो नहीं लिखते यार हम लोग, सिंपल 1/a लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो 1/a हो जाएगा ये। तो हम लोग 1 a^-1 को लिख सकते हैं 1/a, सिमिलरली 1/b^-1 को लिख सकते हैं 1/b, b^-1 इज नथिंग बट 1/b, c^-1 को लिख सकते हैं 1/c, प्लस c^-1 इज 1/c, एंड a^-1 इज 1/a। ओके वी हैव टेकन LHS ना, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a+b+c। ओके नाउ इसको लिख दो ऐसे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज ab+1/bc+1/ca, a+b+c डिवाइड बाय। अब देखो अगर ab, bc और ca का तुम एलसीएम लेगा, तुम्हारे पास आएगा ABC, सबका कॉमन क्या आएगा, सबका एलसीएम क्या आएगा, ABC आएगा, तुम करके देख लो एलसीएम। ओके नाउ पहला में 1 है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी AB था, AB के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ABC हो जाए, C मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर ऊपर नीचे हम लोग C मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A, इसमें BC में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि BC कन्वर्ट हो जाएगा ABC में, विल मल्टीप्लाई ए। सिमिलरली CA में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें वो ABC में कन्वर्ट हो जाएगा, C एंड A ऑलरेडी है, उसमें B मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके ना दिस विल बिकम
ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या है देखो, अरे शिट, नाउ ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या है, डिनोमिनेटर के नीचे एक डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है वो तो न्यूमरेटर में चल जाता है, और ये सी प्लस ए प्लस बी इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी, बस अरेंज नहीं किया गया, ए प्लस बी प्लस सी ही है। और डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर बेसिकली कहाँ चल जाता है, न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है वो। फिर ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा और बचेगा क्या, ए बी सी बचेगा। एंस प्रूव्ड, सच ए सिंपल थिंग।